बुधवार को भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल के समर्थन में प्रचार प्रसार के लिए गोरखपुर पहुंची बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने गोरखपुर न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान कहा कि एक बार फिर से इस उपचुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हुआ है, इसे भी जनता एक सिरे से खारिज कर देगी। उन्होंने कहा कि यह जनता की बुद्धिमानी और वह सिर्फ भाजपा को ही वोट देगी क्योंकि जनता को विकास पसंद है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा किए जा रहे लगातार प्रदर्शन के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ियों की मांगों पर सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले साल अंग्रेजी माध्यम के प्रत्येक ब्लॉक में 5 एवं प्रदेश में कुल 5000 विद्यालय खोले जाएंगे। इन विद्यालयों में पढ़ाई तो सभी विषयों की होगी लेकिन उसका माध्यम अंग्रेजी होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल महंत नहीं है बल्कि एक जननायक भी हैं। जनता से सीधा उनका जुड़ाव रहता है। ऐसे में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई लोकसभा सीट पर भाजपा शीर्ष नेतृत्व में भाजपा के वरिष्ठ नेता उपेंद्र शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया है। जनता निश्चित ही भाजपा के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएगी। यह देश का और हम सबका परम सौभाग्य है कि देश में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में देश और प्रदेश दोनों में विकास की गंगा बह रही है। देश के इतिहास में पहली बार शासन की नीतियां परिवार और जाति के आधार पर नहीं बल्कि गांव गरीब झुग्गी झोपड़ी के इंसान नौजवान किसान और महिलाओं को और वंचित तबकों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 11.5 वर्ष महीनों की सरकार चली है उससे उत्तर प्रदेश की जनता ने को यह सुनिश्चित हो गया है कि एक पारदर्शी लोकप्रिय और संवेदनशील सरकार उनको मिल गई है जहाँ पर सीधे जनता का संवाद सरकार से है और सरकार का संवाद जनता से है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में प्रत्येक मंत्रालय और प्रत्येक मंत्रालय का प्रत्येक मंत्री दिन रात अथक परिश्रम करके उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश का चेहरा बहुत दिनों से जिसकी चाहत थी उसको बनाने में लगा हुआ है। चाहे मेरी बात हो, मेरा अपना विभाग हो या अन्य विभाग हो, मैं देखती हूँ सारे के सारे मंत्री निरंतर काम करते रहते हैं और यह संदेश दिया है कि मंत्री बनना या मुख्यमंत्री बनना कोई मौज मस्ती के लिए आराम के लिए नहीं है बल्कि आप जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और जनता की सेवा के लिए आपको चुना गया है तो वो काम आपको करना है। शक्तिपीठ की सीट रही है। विगत 5 बार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सांसद के रूप में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है। उससे पहले ये सीट परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी के नेतृत्व में चलती थी। तो यह यहाँ पर किसी भी तरीके का गठजोड़ कोई समीकरण जाति बिरादरी ऊंचा नीचा या किसी भी तरीके का आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जो स्वस्थ परंपरा नहीं है अगर ऐसी किन्हीं चीज़ों का यह केंद्र नहीं है। यहाँ की जनता बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं। गांव गरीब के जो लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि हमारा हित किसमें सुनिश्चित है और सदैव उन्होंने अपना जो मुहर है जो अपना मत है वो सदैव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का काम किया है। और इस बार भी आदरणीय उपेंद्र शुक्ला जी जो पार्टी के बहुत ही पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, एक जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तमाम उन्होंने लोगों के लिए संघर्ष किया है, संगठन के बहुत अच्छे संगठनकर्ता रहे और संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने हमेशा गोरखपुर की जनता से अपना संवाद बनाए रखा है। उनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना है और हम सब पूरी उम्मीद करते हैं और यह तय भी है कि इस बार भी गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही चुनकर जाएगा और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस्तीफे के सदन में रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान की पूर्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही विजयी की भूमिका में जाकर निभाएगा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी केवल गोरक्षपीठाधीश्वर है इस नाते ही नहीं, उन्होंने एक जन नायक और जन सेवक के रूप में हमेशा गोरखपुर की जनता से अपना संवाद कायम किया है।
सीधा जुड़ाव है उनका जनता से, जनता उनको अपने से सीधा जुड़ा हुआ समझती है और यही कारण है कि उनके इन्हीं सारे प्रयासों का ये परिणाम रहा कि एम्स आज गोरखपुर में आ गया है। आदरणीय अभी अपने विधायक जी बता रहे थे कि चिड़ियाघर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, चाहे प्रेक्षागर की बात हो, चाहे बंद फर्टिलाइजर उसको खोलने की बात हो, तो ये हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, उन्हें बाहर पलायन न करना पड़े, गोरखपुर के नौजवान को, किसानों को उचित दाम पर और समय पर खाद उपलब्ध हो जाए, इसके लिए जो फर्टिलाइजर को दोबारा से ओपन कराने का काम किया गया है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये काम संभव हुआ है। तो देश और प्रदेश के अलावा पूरा विश्व आज भारतीय जनता पार्टी की ओर बड़ी ही आशा भरी नज़रों से, बड़े सकारात्मक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ले रहा है, देख रहा है। गोरखपुर हो चाहे फूलपुर है, मुझे लगता है गोरखपुर से और फूलपुर दोनों में ही गोरखपीठ का एक बार पुनः डंका बजेगा, फूलपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का फूल खिलेगा, ऐसी हम सब कार्यकर्ताओं को पूरी आशा। शिक्षा विभाग बड़ी ही जर्जर स्थितियों में हम लोगों को प्राप्त हुआ था और बेसिक शिक्षा विभाग का मतलब होता था, प्राइमरी पाठशालाओं का मतलब होता था एक सरकारी स्कूल और सरकारी कहकर उससे पल्ला झाड़ लिया जाता था, लोगों का उसके प्रति कोई भी आकर्षण नहीं था। लेकिन आज मैं जहां जाती हूं लोग पूछते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में क्या हुआ, आपने कहा था ये अभी नहीं हुआ, आपने कहा था ये करेंगे, इसमें क्या करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब इस तरीके की बातें उठने लगती हैं, जब इस तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं, हमसे कुछ करने की अपेक्षा है और तभी हमसे हमारी जिम्मेदारी का याद दिलाते हुए हमसे पूछा जा रहा है। मैं सदैव आलोचनाओं को बहुत ही सकारात्मक तरीके से लेती हूँ, क्योंकि अगर हमसे कुछ लोगों की आशाएं नहीं होगी तो हमसे कौन पूछेगा। तो बेसिक शिक्षा विभाग ने 11.5 महीनों में बहुत ही उल्लेखनीय काम किया। पहले वो चीज़ें जो निःशुल्क बच्चों को उपलब्ध होती थी, सरकारी पैसा कहा जाता था, लेकिन सरकारी पैसा भी जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा होता है, उस पैसे की उसकी एक एक पाई का उपयोग हो, इसका हम सब ने पूरा प्रयास किया है और इसी कारण वो पाठ्य पुस्तकें, वो बैग्स जो बच्चों को जुलाई में मिलने चाहिए थे पुरानी सरकारों में, और पिछला सेशन लें उसमें जाकर दिसंबर में उपलब्ध हुए थे, हम बीच में सरकार में आए, हमने उसको समय से बच्चों को अगस्त माह के अंत तक बच्चों की कॉपी किताबें, बच्चों की यूनिफॉर्म, बच्चों के बैग्स उन तक समय से पहुंचाने का काम किया है, ताकि उनकी किताबों का सदुपयोग हो सके, ऐसा ना हो कि सत्र बीत जाए और किताबें फिर वो कूड़े का ढेर बन जाए और कबाड़ में बिक जाएं, जैसी कि कई जगह खबरें आईं मेरे ही शासनकाल में, हम लोगों की जब ये सरकार चल रही है उस पीरियड में ही, कि भला गोदाम में किताबें पड़ी थी, दीमक खा रहे थे या किताबों को जलाकर चाय बनाई जा रही थी। तो ये एक एक पैसा जो भी सरकारी, चाहे सरकारी पार्क हो, कुछ भी हो सरकारी, ये सब जनता की कमाई का पैसा होता है, इस पर सरकारी का लेबल लगाकर उसको उपेक्षा से छोड़ देना ये हमारी सरकार का काम नहीं है। और साथ ही सरकार ने 3 नई और घोषणाएं की, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण पाने का काम किया, बड़ी कड़ाई से सख्ती के साथ निपटने का काम किया, उसके साथ ही एक नन्हे मुन्ने बच्चे जो बेसिक विद्यालयों में पढ़ रहे थे उनके लिए बड़े करुणापूर्ण भाव से हमसे कहा कि हम लोग इस बार उत्तर प्रदेश में जूता, मोजा और स्वेटर देने का भी काम करें। हमने बच्चों को ये तीनों चीज़ें, जूता, मोजा और स्वेटर, ये भी तीनों मुहैया करने का काम किया है। अगले बार हम 5,000 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल लेकर आ रहे हैं, इस सत्र से उनका शुरुआत उनकी हो जाएगी। और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के पीछे भी खाली एक धारणा है, अभिभावकों का रुझान, ये देखा गया या जब भी मैं जाती थी तो पास में कोई छोटा सा मॉन्टेसरी स्कूल चल रहा होता था, जहाँ पर 3,000, 4,000 और 5,000 पर लोगों को रखकर पढ़ाई कराई जा रही थी, अंग्रेजी मीडियम के नाम पर लोग वहाँ पर अपने बच्चों को भेजना ज़्यादा पसंद कर रहे थे, इसलिए वो सुविधा उनको हमारे सरकारी विद्यालयों में मिल जाए, बिना फीस के मिल जाए, इस नाते अभी हम एक मॉडल के तौर पर हर ब्लॉक में 5 और पूरे उत्तर प्रदेश में 5,000 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल लेकर आ रहे हैं, जिसमें हिंदी संस्कृत भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी भाषा के रूप में, लेकिन माध्यम अंग्रेजी होगा।
तो एक ये भी एक प्रयोग हमारा है और मुझे लगता है कि अभिभावकों के रुझान को देखकर यह सफल होगा और यह सफल हुआ तो इसे हम और आगे लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा कि पहली बार परिवार और जाति से ऊपर होकर विकास की राजनीति हो रही है, लेकिन अगर मेरा घर, मैं मान लीजिए मैं जायसवाल, तो मैं अपने घर से तो शुरुआत करूँगी ही करूँगी, साथ लेकर चलेंगे। तो अगर निषाद जी आए तो जाहिर सी बात है निषाद तमाम रिश्तेदार होंगे, उनके मित्र होंगे, तो एक बार चाय पानी का तो ये हक उनका तो बनता ही बनता है। फिर ये पूरा हमारा, अब आप घूमने चलेंगे तो बगल में बात करेंगे सीताराम जायसवाल जी के साथ, आप मत बैठिए, ये मेयर है यहाँ की और बहुत खाना मेरा इनका घरेलू नाता है। बगल में आएंगे राधा मोहन अग्रवाल ने बात कहेंगे आप वैश्य हैं तो हमारे विधायक रहे, तो हम अपने घर से तो शुरुआत करेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता का एक एक व्यक्ति, वो चाहे किसी भी जाति जाति का हो, वो उत्तर प्रदेश में चल रही भारतीय जनता पार्टी सरकार की जिम्मेदारी है। एक एक व्यक्ति हमारे लिए अनमोल है, एक एक व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक एक व्यक्ति की सुरक्षा, उसका उसकी समृद्धि और उसका विकास हमारी जिम्मेदारी है। मंत्री जी, आपके पास में जो आंगनबाड़ी है बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण अंग है बाल विकास पुष्टाहार का, और हम लोग उनकी जो सुविधाएं हैं उनको भी बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। एक बड़े भारी पैमाने पर आंगनबाड़ियों में जाकर हड़ताल किया, प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी इनका जो मानदेय है उसको हमने समय से भेजने का काम किया है, और मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी इनका मानदेय कोई बकाया रह गया। जिस समय यह हड़ताल पर रही, निश्चित रूप से जब उन्हें पहुंची नहीं अपने सेवा स्थान पर, तो इनका मानदेय रुका, लेकिन उस मानदेय को भी हमने इनके आगे के आश्वासन पर भी हम इस तरह से कोई हड़ताल नहीं करेंगे उसको भेजने का काम किया। किसी भी आंगनबाड़ी का कोई भी पैसा नहीं मारा जाएगा। बसपा का समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को सपोर्ट है, क्या समीकरण का कुछ? बड़े हल्के अंदाज से आपने पूछा कि बसपा का सपा से सपोर्ट, आप बता दीजिए, उसी से मुझे लगता है कि कितना हल्का ये सपोर्ट है। तो अब मैं इस पर कह रहा हूँ, लेकिन बसपा साथी को हम लोगों ने साइकिल पर बैठते कहीं देखा था बचपन में, मुझे लगता है आप लोगों ने भी देखा होगा, शायद सर्कस में देखा। अच्छा, सीताराम जी के भाषण में सुना, तो अब हाथी साइकिल पर बैठेगा ऐसा सर्कस में देखा था, और अब तो नहीं उतनी फुर्सत रहती है, तो लेकिन अब मुझे लगता है ऐसी साइकिल पर बैठ रहा है जैसे 11-11.5 महीने पहले भाजपा ने पंचर कर दिया था, हवा निकाल दी, अब उस साइकिल पर हाथी बैठने जा रहा है। तो चलिए, एक जाते जाते एक नज़ारा, एक तमाशा सर्कस का हम लोग ये भी देख लेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं ये कहूँ कि अभी कुछ समय पहले, एक साल पहले ही पीछे जाएं, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया था, दोनों लोगों ने खूब नारेबाजी एक दूसरे के खिलाफ की, और उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पोस्टर छपे आदरणीय राहुल गांधी की 27 साल यूपी बिहार, और उसका नारा देते देते अंत में इसी तरह के एक गठजोड़ तब भी हमने देखा था कि 27 साल यूपी बिहार का नारा देने वाले उसी बिहार यूपी को करने वाले से गठबंधन करा, एक नया पोस्टर छप गया और उस पोस्टर पे दोनों राजकुमारों की फोटो अब छप गई और नया नारा लिखा कि यूपी को ये साथ पसंद है। तो यूपी को साथ खूब पसंद आया, दोनों को अलग अलग निपटाना नहीं पड़ा, एक साथ जनता ने दोनों राजकुमारों को दोनों को निपटाने का काम किया। अब फिर उसी तरीके का ये गठबंधन गिरा गया। अब एक साल में इतनी बेवफाई मुझे लगता ठीक नहीं, इससे हमने पहले 27 साल बिहार की यूपी को साथ पसंद है, एक साल पहले हमने भी आज कह रहे हम अलग लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, तो एक तरफ तो एक से बेवफाई, और उनके लिए मैं क्या कहूँ कि गेस्ट हाउस में जिसने की घुसवाई उससे फिर दिल लगाई, अब ये तो ईश्वर जाने कि आगे क्या होगा। लेकिन मैं ये जरूर प्रार्थना करूँगी कि कभी आदमी अपनी कहते हैं कि ना साइन सिग्नेचर और नेचर कभी बदलता नहीं है, लेकिन इस बार बदले, दोनों का व्यवहार और गेस्ट हाउस जैसा कांड दोबारा हम लोगों के सामने ना आए, बस मैं ऐसे ही प्रार्थना करूँगी।